I
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kisne chamakta din hai bacha raat suhani kisne di koi bata de dariyon ko aise rawani kisne di nanne munne wo jo किसने दी जो यकता है कुदरत में वो है मेरा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़कर दिल को कर लो नूरानी दिल में खुदा का नाम बसा कर बात को कर लो नूरानी
बनो ए दोस्तो काम करो सब रहमानी सूरज के शोले भी देने हशर की शिद्दत है बाला इलाहा इल्लल्लाह बोला इलाहा करमा वाला
जगते दो जगते मेरे असाया साया दो जगते मेरे असाया तेरे नाल बहाराया तेरे नाल बहाराया ईमान मुस्तफाए कोड़ा
कोई
मदीना में मिलाया जाता
हक को पार के मदीना में मिलाया जाता। खरीद के दर में अल्लाह बदल दे तो मुझे, खरीद के दर में अल्लाह बदल दे तो मुझे, फिर फेरा है मोहम्मद में बिछाया मुझे, राए मोहम्मद में बिछाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। एक इब्राहिम साहब ने आयत अर्ज करता हूँ, आप सबको पता होगा कि जब अपने जुल्म जानू में जुल्म कर ले तो हुजूर सल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाए। पहली बात यह कि जुल्म करने हाजिर किस लिए होना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की बारगाह में आ गया तो वहां दुआ कर लेंगे मुझे माफ करवा दे, तो कबूल कर ले तो माफ, और वो कबूल करते हैं और माफ कर देते हैं। सारे चैनल यहीं पे आके खत्म हो गए। इसके आगे एक अरबी का लिखा, ये कुरान का वाक्य मेरा कोई नहीं, वो आया उसको रो रहा चीख रहा बाल नोच रहा, यही आप इसमें तो आगे मैंने अपनी जान पे बहुत जुल्म कर लिया, कोई भी गुनाह आप कबीरा लगा ले, जना लगा ले, जुआ लगा ले, कोई लगा ले, उसने आके यही दुआ मांगी और अंदर से निदा आई कि तुम्हें माफ कर दिया। दो दफा निदा आई है, एक यार को यार के पास ले जाना, इजाजत दे तो अंदर लेके ताना, दरवाजा भी खुला अंदर भी गया दफन भी वही हुए, और एक अब ये आवाज आई कि माफ हो गए। मैंने भी इसको देखते हुए जाके वहां दुआ मांगी, मेरा वो लेवल तो नहीं, तुम्हें ये आवाज आती, मैंने ये दुआ की कि या रसूल सल्लम मुझे दिल का इत्मीनान दे दे अगर मैं माफ हो गया हूँ। और वो होते नाज का नहीं मैं मुतमिन हूँ, ये कोई मतलब बुजुर्ग की बात नहीं है, क्योंकि सूफी की बात नहीं है, कुरान की बात है। आज जाके पढ़ लेना सूरह निसा में यह लिखी है और इसकी तफसीर में यही जो मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत लफ्जी फर्क हो सकता है कि अल्लाह के बाद कोई चीज है जिसमें माफ करवाना है तो वो ज़ाते अक़दस हुज़ूर सल्लम है। 70 दफा कुरान में किस चीज का जिक्र है, नमाज का। अब नमाज की अहमियत देखना है यहाँ पे जरा, एक सहाबी थे उसका नाम था साथ, आगे मुझे उसके वालिद का जो भी नाम लिखा, और एक और उनको आवाज दी वो नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने नमाज में जल्दी नहीं की, नमाज मुकम्मल की और फिर आए। एक और साहबी को आवाज दी, उसने जल्दी भी की और भाग के भी आया, मुसलमान दोनों से नाराज हो गए। वही आ गई, जब मेरा नबी बुलाए तो फिर हर चीज छोड़ के आना है। ये सूरह अराफ में है, फिर सब कुछ छोड़ के आना है। तो सब ज्यादा जोर किस पे देते हो, नमाज पे, और नमाज वाले की तो सुनो, तो उसकी तो मानो वो क्या कहता है। मुनाफिकीन की पहचान कब हुई सबसे ज्यादा, ये जो इसमें शेर था ना, लहू बहाया जाता, सात गजबात के मैं शामिल होता और उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। जो जंगे तबूक का जंगे इमामा में मुनाफिकीन सबसे ज्यादा जो एक्सपोज हुए वो कब हुए, तब कहा कि आओ सब कुछ लेके आओ चलो जंग के लिए चलो, तो उन्होंने बहाने किए, तब ये सारी डिवीजन होगी, जो जाएगा वही मोमन है। किसी ने एक खजूर दी अपनी हसीद के बाद, अबू रसीद ने सब कुछ दे दिया, हजरत उस्मान गरी ने पता ही बेशुमार दे दिया, जिसकी जितनी हैसियत थी सारा फर्क ही वहां पे आके हुआ। मुनाफिकीन की पहचान और ये सारा
चलना किसके साथ है? जब हुक्म आ गया तो मेरे साथ चलो, जंग है, मरना है, शहीद होना है, बच के आना, फिर जाना है। बूढ़ों को, बच्चों को, बीमारों को और औरतों की सर छोड़ती मकाम देखो कि फर्ज सारे नमाजें भी है, कुरान भी है, सारा कुछ है, तजीम नहीं है, अदब रसूल नहीं है, बात नहीं माननी, कोई एक से इनकारी हो गया, सब कुछ वारिस गया। सूरह तौबा में है कि तमाम तरीफें जितनी भी अल्लाह ने की है हुज़ूर सल्लम की जात में है, जितनी भी अजीम तजीम जो भी लफ्ज आखिरी उसमें रकू में है शामिल, और फिर उसको हुज़ूर सल्लम ने अपने क्याम में भी बयान फरमाया, यानी कि पढ़ा। ये सिफात जो अल्लाह ने बयान की वो हुज़ूर सल्लम ने अपने क्याम में भी की। तो आज महफिल मिलाद में क्या हो रहा है? यही तारीफ हो रही है। सर सुबह हो चल रहा है, सर शाम चल रहा है, सर सुबह हो चल रहा है, सर शाम चल रहा है, हमें भीग मिल रही है, सबका काम चल रहा है, सबको भीग मिल रही है, सबका काम चल रहा है, बाजार सेगा मेरे आका घरे काम गोटा सेगा सरे आम चल रहा है, घरे काम गोटा सेगा सरे आम चल झूमती है, सरे है